नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 और मैं हूं आपके साथ कंठ। अपनी स्थिति की आशंका में दूल्हे के पिता ने विवाह से पहले ही थाने में दे दिया था आवेदन। आज तक करीब 50 साल में कभी भी किसी दलित की बारात दबंगों के भय से घोड़ी पर नहीं निकाली गई। ऐसे में मदन लाल ने रागवी थाने पर विवाह में विवाद की संभावनाओं को देखते हुए सुरक्षा की मांग की थी। मामले को SDM सैली कनारा और SDOP रघुवंशी ने गंभीरता से लिया। SDOP धर्मराज रघुवंशी, नायब तहसीलदार RK गुहा, पटवारी मनोज शर्मा आदि द्वारा दोनों पक्षों को समझाइश देने के बाद दूल्हे अनिल चौहान को घोड़ी पर बिठाकर पूरे गांव में शांतिपूर्वक बारात निकाली। दूल्हे के परिवार वालों ने प्रशासनिक अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। दूल्हे अनिल चौहान का कहना है कि 50 साल से चली आ रही पुरानी परंपराओं से आज आज़ाद कराया। यहाँ पे जो सच्ची खेडिम जो बारात निकालने के बारे में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताइए। आज यहाँ से अभी दोपहर बाद यहाँ से एक राहुल चौहान नाम के व्यक्ति ने हमारे SDM महोदय को फ़ोन किया था कि यहाँ ऐसी समस्या आ रही है, और उसके बाद जैसे ही मैडम ने मुझे यहाँ निर्देशित किया तत्काल में यहाँ पहुँच गया, और साथ ही हमारे SDM मैडम ने हमारे पुलिस प्रशासन को भी बता दिया था, SDM के साथ सभी को बोल दिया गया था। मैं आ गया यहाँ पे, मैंने दोनों पक्षों से बात करी, वो दोनों पक्षों को समझाइश दी गई और दोनों पक्ष ही मान गए थे, और सबने थोड़ी समझाइश के बाद मान गए थे, क्योंकि कुछ तक होते हैं जो इस संबंध में, क्योंकि पहली बार घोड़ा दूल्ही मतलब घोड़ी में बैठा था, इसलिए कुछ समस्या कुछ लोगों को आई थी, तो बाद में समझाइश में सभी लोग मान गए, और चूंकि पुलिस प्रशासन भी आ गया था तो हमारे समक्ष हमारी देखरेख में ही पूरा इनका जो बाना था वो निकला और कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और सब खुशी खुशी सब गाँव में माहौल से निबट गया। ऐसे गाँव में अभी कोई शांति है और कोई प्रॉब्लम नहीं है।